पूज्य सत्साई के चरणों में मेरा प्रणाम। पूज्य मधुसूदन साई जी के सानिध्य को मैं नमन करता हूँ। आज इस एनुअल स्पोर्ट में आने का सौभाग्य मिला है। मैं देवभूमि उत्तराखंड, जो देश के उत्तर का सबसे आखिर का राज्य है, चाइना से सीमा मिली हुई, मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्यों और कैसे आया। पूज्य मधुसूदन जी कुछ समय पूर्व देहरादून गए थे। बत्रा जी जो हमारे वहाँ के विधायक हैं, वो अचानक ही मुझे मिले, उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई। उसी दिन से मन में एक भाव था कि मुझे यहाँ जाना है। और मैं बत्रा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मन में वो भाव होते होते अचानक ही एक दिन बत्रा जी ने कहा कि आपको इस तारीख को इस साई धाम में आना है, पूज्य मधुसूदन जी के सानिध्य में कार्यक्रम में रहना है। और यहाँ आने के बाद मुझे अपने आप को सुबह में कार्यक्रम में रहने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अगर मैं किसी भी कारण से यहाँ नहीं आता तो शायद कुछ ना कुछ मन से अलग हो गया होता और कुछ ना कुछ खोया जाता, ऐसा मेरे महसूस किया हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। आज अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों में जाने का अवसर समय समय पर मिला है। मैं पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, तो इस कारण से अनेक संस्थानों में, अनेक इस प्रकार के जो संस्थान विद्यालय चलाते हैं, उनमें जाने का अवसर मुझे समय समय पर मिला है। पूज्य आशीष जी भी यहाँ बैठे हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार में एक बहुत बड़ा संस्थान कुष्ठ रोगियों के बीच में चलाते हैं, उनके यहाँ भी समय समय पर जाने का अवसर मिलता है। लेकिन यहाँ आने के बाद कोई संस्थान इतना अच्छा विद्यालय चलाते हुए बच्चों को इस प्रकार परफेक्शन दे सकता है, ये वास्तव में मन में बड़ी बहुत संतुष्टि हुई। अभी आशीष भैया मेरी बराबर में बैठे हुए कह रहे थे कि हमें जितने संस्थान देश भर में काम कर रहे हैं, जो इस प्रकार के विद्यालय चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, एक बार एनुअल डे पर यहाँ लाकर उनको इस प्रकार के कार्यक्रम में दिखाना चाहिए कि किस प्रकार का परफेक्शन बच्चों में होता है। मुझे ये नहीं मालूम कि अभी तक इस संस्थान के माध्यम में देश ने ओलंपिक, एशियाड, अन्य खेलों में कोई पदक लिया है कि नहीं लिया, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज देखने के बाद मुझे लगा कि आने वाले समय में भारत के लिए अनेक पदक इस संस्थान के माध्यम से भारत को मिलेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पूज्य मधुसूदन जी से सुबह कुछ समय के लिए मिलना हुआ, बातचीत भी हुई, संस्थान के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई। और आपके उन भाव को तो मैं नमन करता हूँ जिन भाव में केवल एक ही बातचीत में अंदर से भावना है कि जितने कैंपस हम चला रहे हैं, हर साल 5 कैंपस और खोलकर ऐसे बच्चों को वहाँ पर पढ़ाना है जिनकी पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं है, जिनकी पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी मुझे अनेक ऐसे मित्र यहाँ पर मिले हैं, मैंने बातचीत की, मैंने उन्हें पूछा, लेकिन पूछने के बाद मन में प्रसन्नता इस चीज़ की हुई कि ऐसे संस्थान हमारे देश में, संस्थानों की कमी नहीं है, लेकिन उसके पीछे कुछ छिपा हुआ रहता है, कोई एजेंडा होता है, कोई अलग भाव होता है। लेकिन आज मुझे जब मैंने देखा, जानकर प्राप्त किया कि केवल एक ही एजेंडा है, एक ही भाव है कि दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां साधन नहीं है, जहां संपन्नता नहीं है,
उन क्षेत्रों के विद्यार्थी भी पढ़कर और देश के गौरव को बढ़ाएं, यही एजेंडा लेकर यह संस्थान काम कर रहा है। मन को बहुत प्रसन्नता इस रूप में। मैं जहां से आया हूं वो हरिद्वार है, हरिद्वार संतों की नगरी है। आप में से बहुत लोग कभी जाने का अवसर मिला होगा और यहां आने के बाद मन में एक भाव भी आया कि वो ऐसी नगरी जहां पर हर 12 साल के बाद करोड़ों करोड़ों लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि 2010 में राज्य बनने के बाद पहला महाकुंभ हुआ था और उस महाकुंभ को किस प्रकार से संपन्न हो उसकी व्यवस्था में योगदान करने के लिए मुझे सरकार की तरफ से उस समय भी मैं मंत्री था। और 2021 में भी वो दिन इस भारत की आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार में महाकुंभ के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित पूज्य मधुसूदन जी के सानिध्य में जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि 2021 में आप एक बार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में कोई समय निकालकर उस महाकुंभ में जरूर आएंगे। ऐसा निमंत्रण भी साथ साथ में आप सबको दे रहा हूँ। पूज्य मधुसूदन जी से मिलने के बाद बातचीत करूँगा, क्योंकि सामान्यतः उत्तर और दक्षिण में जितना एक दूसरे के भाव के रूप में आना जाना होना चाहिए था, शायद उसमें अभी कुछ हल्का सा चुनौती नहीं कहूँगा लेकिन कमी है, खास तौर पर इस धार्मिक आदान प्रदान के लिए। पिछले दिनों 2010 में मैं टूरिज्म मिनिस्टर भी था, तब मैंने एक प्रयास किया था और आज हमने जितने दक्षिण के हमारे शहर हैं, हमने सब में एक एक अपना जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर छोड़ा हुआ है, वो यहाँ से लोगों को बताते हैं कि देवभूमि में क्या है और इससे थोड़ा रिलेशन बढ़ा है। लेकिन एक ऐसा माध्यम 2021 का महाकुंभ है, उसके लिए पूज्य मधुसूदन जी को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि एक सप्ताह का कोई समय निकालकर, जगह की व्यवस्था सारी सरकार करेगी, हम करेंगे, हम आपको वहाँ जगह देंगे, एक बार 2-4 अच्छे कार्यक्रम वहाँ पर इस रूप में संपन्न होंगे तो बहुत अच्छा संदेश इस रूप में जाएगा। आज इस अवसर पर मैं पुणे पूज्य मधुसूदन जी के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कि आपके सानिध्य में ये संस्थान निरंतर बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाले समय में ये दुनिया में भारत के इस अध्यात्म को, भारत के इस भाग्य को, भारत के इस गौरव को इसी रूप में बढ़ाता हुआ आगे बढ़ेगा। और आपने जो एक इच्छा जाहिर की है कि आने वाले समय में आप उत्तराखंड देवभूमि में भी एक विद्यालय, एक एजुकेशन संस्थान बनाना चाहते हैं, सरकार की ओर से हम बहुत प्रयास करेंगे कि कोई दिक्कत ना आए, आप उस संस्थान को बनाकर और जो आपके मन में भाव है कि आप पूरे देश भर में करना चाहते हैं उसमें एक कड़ी और जोड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।